राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की पार्टी की तरफ से महिला सुरक्षा और शक्ति बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मंत्रालय के पास ये प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम एनसीपी कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं, खास तौर पर महिला विंग की तरफ से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सुप्रिया सुले को आप देख सकते हैं, तमाम महिलाओं के साथ यहाँ पर वो पहुंची हैं। उनके हाथों में पोस्टर्स है जिस पर लिखा है कि महिला सुरक्षा का वादा चाहिए और हमें शक्ति कायदा यानी कि नियम चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की तमाम महिला संगठन यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी तरफ से ये आंदोलन यहाँ पर देखने मिल रहा है। सुप्रिया सुले को आप देख सकते हैं, उनके साथ तमाम महिला नेता यहाँ पर मौजूद हैं। और ऐसे में जो पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख है वो भी कुछ देर में यहाँ पर पहुँचेंगे। इनकी तरफ से नारेबाजी की जा रही है। इनका कहना है कि पिछली सरकार, जब इनकी सरकार थी तब इनकी तरफ से शक्ति बिल जो है उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, उसका मसौदा तैयार कर लिया गया है, लेकिन सरकार, महायुति की सरकार जो है वो इसको लागू नहीं करना चाहती, उनकी मंशा साफ नहीं है, जिसको लेकर यहाँ पर सुप्रिया सुले के साथ तमाम महिला जो नेता हैं, राखी जाधव को आप देख सकते हैं, मुंबई एनसीपी शरद पवार गुट की प्रमुख हैं, तो उनकी तरफ से मिलकर यहाँ पर आंदोलन जो है देखने मिल रहा है। लगातार नारेबाजी जो है वो की जा रही है और महायुति पर निशाना साधा जा रहा है। बदलापुर की घटना हो, नांदेड़ की घटना हो, टिटवाला की घटना हो, तमाम आने वाली महिला सुरक्षा को लेकर जो घटनाएं हैं उसके लेकर महाविकास आघाड़ी मुद्दा पकड़े हुए है और उसको चुनाव तक आगे लेकर जाना चाहता है। तो जिसको लेकर आज शक्ति बिल लागू करने के मुद्दे पर एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से ये बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है, जिसमें सुप्रिया सुले भी शामिल हुई हैं। जी बिल्कुल अखिलेश, मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं, एनसीपी शरद पवार गुट के तमाम कार्यकर्ता नेता यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी तरफ से शक्ति बिल लागू करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका कहना है कि सरकार के पास ड्राफ्ट तैयार है लेकिन सरकार उस पर काम नहीं कर रही है, चुनाव के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। तो ऐसे में महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी बदलापुर की घटना के बाद इस मुद्दे को बरकरार रखा गया है और महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं नेताओं को आप देख सकते हैं, सुप्रिया सुले को आप यहाँ पर देख सकते हैं, अनिल देशमुख यहाँ पर मौजूद हैं जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह रह चुके हैं। तो इनका यही कहना है कि लाडली बहन योजना के नाम पर महिलाओं को जो पैसे देने की बात की जा रही है उसके बदले पहले सुरक्षा दी जाए, जैसे बदलापुर की घटना हो, नांदेड़ की घटना हो, तमाम घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही है। यहां पर आप देख सकते हैं इनके हाथों में जो पोस्टर्स हैं उस पर लिखा है कि महिला सुरक्षा का वादा चाहिए, हमें शक्ति कायदा चाहिए। नेताओं का कहना है कि महायुति सरकार की कोशिश ही नहीं है कि वो इस कानून को लागू कर पाए। ये जो कानून है हमारी सरकार के दौरान बनाया गया था, ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया था, लेकिन महायुति सरकार इसको लागू करने के लिए जो है एक्टिव नहीं दिख रही है। तो चुनाव से पहले खास तौर पर महाविकास आघाड़ी की तरफ से तमाम मुद्दों पर प्रदर्शन देखने मिल रहा है। जोड़ो मारो आंदोलन के बाद अब शक्ति कानून को लेकर, जो शक्ति बिल है उसको लेकर यहां पर तमाम जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अनिल देशमुख के हाथ में आप पोस्टर देख सकते हैं, महिला सुरक्षा को लेकर बात करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। तो कुल बड़े मुद्दों पर अब महाविकास आघाड़ी सड़कों पर है और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है। जी